अस्सलामुअलैकुम, मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। आप सब लोग अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ। आज मेरे क्लाइंट ने, मैं यूजुअली तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स अभी तक भेज चुका हूँ, ढेर सारे नहीं भेज चुका बट काफ़ी सारे, मतलब अराउंड 8 से 10 लोग भेज चुका हूँ। तो जो भी मेरा क्लाइंट बहरेन जाता है वो भूल जाता है, मतलब उसने कमिटमेंट की होती है कि मैं वीडियो बनाऊंगा या आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा सर, और आपके साथ टच में रहूंगा, फीडबैक ज़रूर दूंगा, मतलब आपके काम को रिव्यू करूंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है उधर जाने के बाद। क्योंकि उधर जाने से पहले ये होता है, या उधर जाके एयरपोर्ट पर अभी अगर वीडियो आप बना लो तो उधर ये होता है कि अभी उस बंदे ने एक्सपीरियंस नहीं किया होता कि क्या है, क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, क्या हिसाब किताब है। जब बच्चा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, बहरीन की बात करूँ, प्लस जब जो आपने उसको कहा होता है कि अरे ये सैलरी है, ये ड्यूटी है, और प्लस जब आपने उससे पैसे भी इतने नहीं लिए होते हैं, तो वो बहुत खुश होता है और वो आपको रिव्यू ज़रूर करता है। तो ऐसे ही मेरा एक छोटे भाई जैसे क्लाइंट है, उसके साथ अच्छा मतलब कॉन्टेक्ट डिवेलप हुआ था। जब उसने यहाँ से जाना था तो खैर मैंने उसे एडवांस में पैसे नहीं लेते, लेकिन वो बार बार मुझे कहता था जब उसका इंटरव्यू हो गया था और उसने जब कैंप का मेडिकल सबमिट करा दिया था कि फसे भाई मेरे आसपास वाले लोग कह रहे हैं कि ये जिस दिन तुम्हारा काम हो गया फिर हमें बता देना। ऐसा कुछ भी नहीं होता और ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड ही होता है, तो आपका जिस दिन वीज़ा आ जाए उस दिन आप हमें बताना। तो फिर जब उसका वीज़ा आया, उसने पेमेंट करने थी, उसके लिए भी उसको थोड़ा बहुत मतलब क्यूरियस थी, वो ऑफकोर्स मुझे ट्रस्ट करता था, तभी उसने मेरे से अप्लाई करा था, बट उसके जो सराउंडिंग में ब्रदर या बाकी जो लोग थे, फिर वो चला गया। उसकी फ्लाइट लाहौर से थी, वो क्लिप भी आगे आप लोग देख सकेंगे। तो फिर जब तक वो फ्लाई नहीं हुआ था तब तक उसको टेंशन थी, फिर इवन जब चला भी गया, फिर वहाँ पर कोरोना टेस्ट होना होता है उस कंट्री में, और कुछ चीज़ें होती हैं जिसको बंदे ने देखना होता है, तो वो सब चीज़ें मतलब उसके माइंड में थी। तो 3 क्लिप्स हैं, वन बाय वन साथ में देखते जाते हैं, फिर मैं आप लोग को बताता जाता हूँ। तो सबसे पहले उसका पाकिस्तान से जाने का क्लिप है, वो देखें, फिर हम आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, साहब भाई कैसे हैं? यहाँ पे मैं अलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर मौजूद हूँ, और शेर साहब एक इधर कहेगा ना, मेरे साथ मेरे दोस्त आए हैं ऐसे मुझे छोड़ने के लिए, और बहरीन के लिए ये तारिक शहजाद, ये मेरे साथ मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्त? और ये आमिर भाई, यूसुफ भाई, ये लाहौर से, ये देखें एयरपोर्ट जी। तो फ्लाइट करने से पहले उसके क्या तासुरात थे या क्या उसका माइंड में था, वो आप लोगों ने देख लिया। फिर जब वो वहाँ पे यूई में, यूई कह रहा हूँ, बहरीन में लैंड किया, उसको मैंने सारी चीज़ कोरोना की जो उसकी 40 बहरीनी दिनार की जो स्लिप थी वो भेजी हुई थी कि वो आपका पे हो चुका है, और उसको बताया हुआ था कि आपको ड्राइवर पिक करने आएगा, कंपनी का ड्राइवर, और एड्रेस वहाँ पर फॉर्म फिल करना होता है एयरपोर्ट पर लैंड करके बहरीन में, कि आपने कहाँ जाना है या कौन आपको पिक करने आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें बतानी होती है। फिर वहाँ पे सिम मिलनी होती है बहरीन एयरपोर्ट, जिसने कोरोना की वो स्लिप भेजी होती है तो उसको फ्री में सिम मिलती है, वो सिम उसको बताया होता है। तो वो जब बाहर आया, उसका क्लिप फिर उसने शूट किया, और वो मैंने उसको कहा था कि थोड़ा सा क्लिप रिव्यू करना है आपने, तो वो देखें, फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लो जी, सब भाइयों दोस्तों, बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, ये देखें, ये आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं अल्लाह के फजल व करम से और खैर व खैरियत से बहरीन पहुंच गए हैं। अब यहाँ से आगे का सफ़र जारी रखेंगे जी। तो इस क्लिप के बाद वो फिर गया क्वारंटीन, मतलब जो आपको रखते हैं थोड़े बहुत, अपने ख्याल से 4-5-6 दिनों के लिए रखते हैं, तो वो उनको और प्लस कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशंस उसको बताई गई, जॉब बताई गई, सैलरी बताई गई, और लोगों से मिला, को पता चला कि फंसे भाई ने तो मेरे से मतलब सर्विस चार्ज जो था जो 60,000 मैंने लिया था, 60,000 पाकिस्तान रुपीज़ वो मुनासिब है, लोगों से 1.5 लाख 1 लाख प्लस का लिया गया है, और जो चीज़ें बताई गई थी वो उसी तरीके से थी। वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को बताया गया था आपके 8 घंटे ड्यूटी है, जबकि एक्चुअली 12 घंटे ड्यूटी, वीकली 2 दिन ऑफ है, ऑफ भी नहीं है। तो मतलब बताने का पर्पस क्या है कि उसने फिर उसके काफ़ी दिनों बाद जब वो वहाँ से बाहर निकला, मेडिकल वगैरह उसका हुआ, तो उस टाइम का व्लॉग
एक क्लिप है, आप वो देखें फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, सब सब ठीक हैं? मेरा नाम शान है और मैं इस टाइम बहरीन में मौजूद हूँ। बहरीन का एक शहर है हिद, हिद वन में। ये हमारा ये फ्लैट है, कंपनी की जो रिहाइश है, और मैं जो है फसी भाई के रेफरेंस से यहाँ आया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई, ना आते हुए और ना ही यहाँ पे यानी कि जॉब सर्च करने में, या जैसे उन्होंने बताया था सब कुछ वैसा ही यहाँ पे मिला मुझे। ठीक है, तो आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आप फसी भाई के चैनल को भी सपोर्ट करें और फसी भाई पे भी ट्रस्ट करें। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यानी कि मेरा काम हुआ है या मैं यहाँ पे आया हूँ, ऑनेस्टली ही इज़ अ गुड पर्सन। ओके, फिर मिलते हैं, मैं आपको और भी वीडियो बना के भेजता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, तो आपने उसका पूरा रिव्यू हमारा देख लिया जो उसने हमें रिव्यू किया हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट, फिर मनामा एयरपोर्ट, बहरीन का एयरपोर्ट, और फिर वो एकोमोडेशन में जब उसको ट्रीटमेंट हुई, मेडिकल सारा चीज़ें उसकी जब हो गया, उसके बाद जब वो आपने देखा फ्रेश उसका और उसकी एकोमोडेशन भी अच्छी है। अब यूएई का और बहरीन का अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहरीन मतलब नो डाउट एक्सपेंसिव भी होगा। दुबई कौन सा सस्ता है, दुबई भी एक्सपेंसिव है, दुबई से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, यूएई से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़े का काम भी है, ठीक है, मतलब ये टोपी ड्रामा नहीं कि वहाँ जाके फिर आपका वीज़ा कन्वर्ट होगा और ये होगा वो होगा, तो अपने पास भी काम चलता रहता है। ठीक है, क्लीनर का है 75 बहरीन दिनार सैलरी है, 12 घंटे ड्यूटी है, वी मंथली 2 दिन ऑफ है, और 3 टाइम्स का फूड भी है। ठीक है, 85,000 पाकिस्तान रुपीज़ की वीज़ा चार्ज है। सिक्योरिटी गार्ड का काम है 85 बहरीन दिनार सैलरी, 12 घंटे ड्यूटी है, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट है, नो वीकली नो मंथली ऑफ है, एटलीस्ट मेट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए, एज 21 से 35 साल की होनी चाहिए, और हाइट मैक्सिमम बहुत भी कम हो जाए तो 5.4 होनी चाहिए। इसका वीज़ा रेट 60,000 है। फिर हेल्पर कंस्ट्रक्शन में काम है, ठीक है, और स्किल्ड का भी काम है। कंस्ट्रक्शन की जो सैलरी वो 80 बहरीन दिनार है, 8 घंटे ड्यूटी है, अगर आप 2 घंटे का डेली ओवर टाइम करोगे और फ्राइडे की छुट्टी करोगे तो वो आपका 100 BD बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन हेल्पर का जो काम है उसका वीज़ा रेट है 1,25,000। इसमें से कोई भी आपको काम चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर की बनोगे, उस पर आप कॉन्टैक्ट करें और हम आपको हमारी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल हैं। तो हमारे से रिलेटेड कुछ क्यूरी करनी, हाँ एक और चीज़ ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि मेरा एक फॉलोअर है, क्लाइंट है, जो भी समझो मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, ही इज़ फ्रॉम UK, बेसिकली वो इंडिया से बट वो UK में है। उसकी जो बेटी का वीज़ा था वो भी हमने अप्लाई किया था, वो मैं इसलिए शेयर नहीं करता, समटाइम्स वो उनका क्लाइंट का होता है, तो वो भी हमने अप्लाई किया था अगस्त में, आई थिंक अगस्त सितंबर में हमने निकाल के उनको दिया था। उस टाइम में उन्होंने पेमेंट UK से की थी, ठीक है, और अभी फिर से एक्सटेंशन होनी थी, एक्सटेंशन हमें तकरीबन 4-5 दिन पहले हमने उसकी उनकी किए, तो वो फिर पेमेंट हुई थी, और वो वीज़ा से पहले पेमेंट करते हैं, UK के 3 months की वीज़ा की बात करूँ तो हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो बात करने का पर्पज़ क्या है कि मेरे से गलतियाँ हो चुकी हैं, गलतियाँ हो गई हैं, पास्ट में हुई थी, टीम रख ली थी, कुछ चीज़ों की समझ नहीं थी, अब समझ आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने सर्विस प्रोवाइड करने का एक तरीकाकार है, यू कैन आल्सो ट्रस्ट। थैंक यू पीटर, आप ट्रस्ट करते हो UK में बैठे बैठे। और उसकी बड़ी मजे की स्टोरी है कि उसका जो अरबाब है वो शेफ है, कुक है, जो उसका अरबाब है वो पाकिस्तानी, और उसने मेरा रेकमेंड किया था कि आप फंसी दुबई दुबई से सर्विस लें, अच्छा बनता है। थैंक यू सर ट्रस्ट करने के लिए। तो ये चीज़ें देख के खुशी होती है और इंकरेजमेंट भी मिलते हैं, और अपना जो भी है छोटा मोटा रोजी रोटी का काम चलता रहता है, तो फ्री में तो कोई काम होता नहीं, हम भी उसमें से डेफिनेटली कमीशन ले रहे होते हैं और हमारा भी मार्जिन होता है और राइट है। तो आप भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं हमारे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, बहरीन की अपॉर्चुनिटीज़ मैं इंकरेज करूँगा, बहरीन जाएँ, ठीक है, छोटी सैलरीज होती है, थोड़ी सैलरीज होती है, लेकिन टाइम पर मिलती हैं और वीज़े का रेट भी मुनासिब रहता है। तो फिर मिलते हैं किसी और टाइम में और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जाते जाते अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ घंटा होगा उस पर क्लिक करें, इस टाइप पे भी एक उसके ऊपर लकीर आ जाएगी और उसके ऊपर भी, तब आपके नोटिफिकेशन ऑन होंगे। अगर जस्ट वो घंटा है वो ग्रे हो गया तो वो आपके नोटिफिकेशन ऑन नहीं है, सी ऑल नोटिफिकेशन पे आपने क्लिक करना है। और अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, तो चलते हैं फिर।